तो गाइस कहानी होती है यहाँ से शुरू। हमने एक प्लान बनाया था, उस प्लान का एम था कुछ स्पेशल जो आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। गाइस वी स्पेंड 12 आवर्स इन द फॉरेस्ट। सच में 12 घंटे हमने जंगल में बिताए। कितने बड़े चट्टान, कितने बड़े पहाड़, कितना बड़ा सफर, यह सब न सोचकर हमने सिर्फ अपने एम की तरफ चल पड़े। I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change even when I knew I never could. Know that I can't. आज का सफर काफी लंबा होने वाला है, तो मेरे साथ मेरे दो फ्रेंड है, देख सकते हो आप। हेलो, हाय गाइस, इट्स मी कृष्णा। तो आज का सफर कैसे होने वाला है भाई? बड़ा एंजॉय होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है भाई। इसके पास आज हम जाने काफी वाले हैं भाई, हमने बहुत लंबा सफर करना है, देख लो उस पहाड़ पे जाना है हमें। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो ये एक ट्रैवलिंग ब्लॉग है भाई, चढ़ो मजा आएगा। ये देखो, मेरे को पहाड़ में चढ़ने की ना बहुत ज़्यादा आदत है सच में, पहले से बहुत दिन से मन था कि ब्लॉग बनाना है, और आज फाइनली सोचा कि यार बना लेते हैं और थोड़ा घूम के भी आ जाते हैं। पर हम सिनेमेटिक शॉट लेंगे, ज़्यादा फालतू ऐड नहीं करेंगे। ये सूरज महाशय हमारे साथ, इनको तो पहाड़ों में चढ़ने की आदत है और ये हमारे गाइड बने थे, बट इनको रास्तों का कुछ पता नहीं था कि कहाँ ले जाना। हम भी बुद्धू की तरह इनके पीछे चलते चलते थक गए, परेशान हो गए, गिरते गिरते बच गए। मैं आपको बता दूं कि हम काफल के लिए जा रहे हैं और कुछ बच्चे आगे से आ रहे, तो उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर काफल कहाँ पे मिलेगा। अब देखते हैं कि ये बच्चे क्या जवाब देते हैं। जी जी आईसी के साहब पूछते हैं, ठीक है देखते हैं इनका रिएक्शन क्या होता है वीडियो में। अरे रुको रुको, शर्मा क्यों रहे, हम बीएड वाले भाई। डर गई बहन, डर गई बहन, डर। यहाँ पे काफल कहाँ मिलेगा? काफल नहीं है। अरे यार ये तो बेइज्जती हो गई यार, कहाँ, यहाँ कहीं नहीं है, यहाँ गढ़वाली है भैया, हम भी गढ़वाली छाम जाता की चतियाले डूबे गया। अरे चेता की चतवाया, बता बता यार। बच्चे कह रहे कि नहीं है, मतलब हमारा पोपट बन गया जगह जाए हम, जहाँ हुआ है इस बार लोग तो बहुत लाने में लगे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप लोग हमारे साथ मजाक कर रहे हो, गजब बेइज्जती है। बच्चे मजाक तो नहीं कर रहे गई, तो यहाँ से दूसरे जंगल तीसरे जंगल का ही लगा ही तो होगा पड़ा। हमारे अंदर बहुत शक्ति है, हम कितना भी जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलके, बाय बच्चों। अरे भाई मुझे नहीं लग रहा कि कहाँ पर मिलने वाले हैं। सर ने कहा है हमारे अंदर जितनी ताकत होगी हम ढूंढ के आएंगे कहीं ना कहीं से, घूम के हम दूसरे पहाड़ चले जाएंगे पर काफल जरूर लेके आएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अभी काफ़ी ऊपर आ गए हैं और यहाँ से हम चल ही रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो पता नहीं पीछे वाला भाई तो छोड़ गया। चलता रहूंगा पथ पर। प्रदीप भाई के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? प्रदीप भाई बहुत प्रदीप भाई ने न पानी रखा अपने लिए, न खाने की कोई वस्तु खा लिया, जो चीज लेने के लिए जा रहे ना काफल उसके लिए बर्तन तक नहीं रखा। बरात में वो सियारे के, मतलब पैसे भी नहीं ले जाना, खाली जाना, सब कुछ मिलेगा। अब इस जंगल में क्या मिलेगा यार ये बताओ। नो 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 नो, वो बेचारे थक गए, परसों 5 समोसे खाए, बोल रहे पर मेरे पेट दर्द हो रहा है। तो 5 समोसे खा के पेट दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? गैस बनेगी। एक समोसा दो, चलो दो ज्यादा ज्यादा, 5 समोसा। प्रदीप सर 5 समोसा। गाइस अभी देखो क्या खतरनाक जगह पे आ गए, नीचे रोड। ये प्रदीप सर, अच्छा मुझे तो डर लग रहा है, वीडियो तो बन लगी ऐसे चल लेते। वही तो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए इतना रिस्क ले रहे हम लोग। ओह ये देखिए, मतलब इतना भयंकर रिस्क है। अभी बहुत चढ़ाई है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है हमें। गाइस यहाँ पर मुझे ना ये भी देखने को मिल रहे हैं, पौधे हैं ये लगा रखे हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये पत्ता काफल का जैसा है, कि काफल के पेड़ लगा रखे होंगे। ये देखो ये बांज का है। एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हमें इसको बना के रखना चाहिए। हमारे से पीछे दूसरे रास्ते पैठानी का मेन रास्ता भी देखने को मिल रहा है वहाँ।
बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि काफल का जंगल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बस जहाँ भी देख रहा हूँ नजर घुमा रहा हूँ तो सारे चेड़ के पेड़ ही दिख रहे हैं। अब देखते क्या होता है। काफल की तलाश में हम लोग जा रहे हैं पर कुछ मिल नहीं रहा, और शरीर थक तो रहा है पर फिर भी मन कर रहा है कि चलना चाहिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे जरूर। चलिए बने रही ब्लॉग के साथ। गाइस अभी एक जगह पे आए हम, पता नहीं क्या कर रखा है, ये देखिए यहाँ पे तारी तार लगा रखी है इस जंगल में, मतलब इस वाले एरिया का अलग हो गया इस वाला, जैसे बॉर्डर में नहीं होता पाकिस्तान और भारत, ये दूसरा देश है इधर। यहाँ पर देखिए ये लगा रखा है, मुझे लगा वहां से फायरिंग होगी तो शायद हम लोग बच नहीं पाएंगे, हमारे पास कुछ हथियार भी नहीं है। प्रदीप सर आपने धार का कुछ हथियार? कुछ नहीं ला रखा। वहां से एक मंदिर दिख रहा है मुझे, बहुत ही ज्यादा दूर है पता है ऊपर, हम सोच रहे उस मंदिर को भी देख के आ जाए, क्या पता वहीं पे काफल भी मिल जाए। इस भरी जंगल में गाइस अगर हम चिल्लाएंगे तो हमारी आवाज जो होती है ना वापस टकर के आती है, तो सुरेश सर एक बार चिल्ला के देखो कुछ बोल। जिंदगी जिंदगी जी 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 जी, तीन बार आया। हेलो कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हाँ मैं, कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो पप्पा मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। अरे गधेड़ा तू नहीं रे। अरे भाई तुम्हारी बात नहीं कर रहा यार, मैं जंगल में औरों की बात कर रहा हूँ। आओ गाइस तुम्हें मैं अच्छी चीज दिखाने वाला हूँ, बहुत प्यारी। ये देखिए, ओह माय गॉड, भाई साहब जो ये ना इसमें स्लिप होने में बड़ा मजा आता है यार सच में। यार पूरा ढलान है देखो नीचे, और अभी ऊपर चलते हैं, बहुत मजा आ रहा है वैसे। गाइस सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, बहुत थक गए थे देखो, अभी हम यहाँ पर लेट गए हैं। प्रदीप सर नहीं लेट रहे हैं, अभी सूरज सर यहाँ पर लेट है। अभी हमें एक यहाँ से मंदिर देखने को मिल रहा है तो काफ़ी ऊपर है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे देखते हैं क्या दिखता है वहाँ से, क्या हमें काफल मिल पाएगा या हमारा पोपट बनेगा। आता पता नहीं मेरा अब तो है उड़ा उड़ा फिरता हूँ, कब से मैं मिले बिन तुझे रह पाऊँ ना। पता पता नहीं मेरा अब तो है उड़ा उड़ा फिरता हूँ, कब से मैं मिले बिन तुझे रह पाऊँ ना। मेरा हर पल ये कहता है कहीं भी जाओ मैं मनी तेरी ही ओर बहता है, रांझड़ा में तू याद आवे तो खो जाओ बेवजह। गाइस बहुत मेहनत के बाद थोड़ा सा कुछ देखने को मिला, और एक जान आई है तो देखिए यहाँ पे ये भाई लोग तो बस काफल तोड़ने लग गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो भाई, उम्मीद ही नहीं थी यार काफल हो गए इतने ऊपर इतनी चढ़ाई में आए, पर वो भाई आराम से हैं, काफल के चक्कर में नीचे मत चले जाइयो। और भाई साहब फाइनली जो मतलब आज का जो हमारा लक्ष्य था वो पूरा कम्प्लीट हुआ है, ये देखिए पूरा जंगल पहाड़ और नीचे गांव, तो बहुत अच्छा लगा कि काफल मिल चुके हैं। अब मुझे लग रहा है कि अगर हम उस वाले जंगल में जाएंगे और वो थोड़ा ऊपर है ना वो मंदिर देखने को मिलेगा, उसके दर्शन भी करेंगे और काफलों का मजा भी लेंगे आराम से। रे यार तुम्हें देख के डर भी लग रहा है भाई, पहाड़ है, मैं चाहता हूँ कि सब सेफली आराम से खाए और यहाँ से आराम से घर जाए। तो काफल दिखाओ, ये देखो गाइस फाइनली यार मजा आया, क्या आनंद आ रहा है, मतलब इतना सफर करने के बाद लगा लो कितना कितना किलोमीटर चल गए होंगे यार, 5 किलोमीटर चल गए होंगे। खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी, तुझसे मिलता रहूं मैं मुझसे मिलती रहे तू, खुद से हम मिलेंगे फिर कभी हाँ फिर कभी। अब ख्वाब कैसे छुपाए बहकी सी बातें कर लें।
कहाँ, तुझ में खोया रहूँ मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी। पहाड़ में आए फिर वहाँ से पहाड़ में, फिर पहाड़ में फिर यहाँ से नीचे से ऊपर 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 आए, यहाँ पर हम लोग बैठ चुके हैं 2556। और एक चीज बताना चाहूंगा, काफल हमें ज्यादा नहीं मिले, सोच रहे हैं जहाँ काफल होंगे वहीं जाएंगे हम। दूर दूर तक गांव दिख रहा है, एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पे, इस छोटी में देखने को मिलेगा। ज़्यादा अप है और चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तभी हमने सोचा कि हम थोड़ा आराम करते हैं। सफर बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है, थकान लग रही, बहुत लंबे सफर में आया हम। टोटल मिला के मतलब 10 किलोमीटर तो आ ही गए होंगे यार, लगभग मुझे लग रहा है। क्या कितना और पैदल चलना है, आज का सफर पैदल ही होगा, शाम तक पहुँचेंगे वापस घर शायद। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है वो हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और यही कहना चाहता हूँ कि आगे ब्लॉग इसलिए नहीं बना क्योंकि जो पहाड़ है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे ऊंचे थे और मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि एक ब्लॉगिंग के चक्कर में मौत को गले लगाना सही नहीं था। फ़ोटो क्लिक करते या फिर हम ब्लॉग वीडियोज़ वगैरह कुछ भी बना रहे तो पैर फिसल जाता तो गिर जाते तो कहीं के नहीं रहते थे। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि काफल जो है बिल्कुल भी आगे नहीं मिले, जहाँ पर काफल थे कम से कम 10 किलोमीटर और आगे जाना पड़ता, जबकि हमें 4 बज गए थे और फिर हमने सोचा कि जाना नहीं चाहिए हमें, तो हम फिर वापस आ गए थे। अब मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे मतलब कई जगह पे क्या हुआ कि मैं पहाड़ में चढ़ रहा था ऊपर, तो ऊपर तो चढ़ गया पर पीछे नहीं आ पा रहा था। हमेशा याद रखना, पहाड़ में हमेशा हम ऊपर चढ़ जाते तो पीछे आने में बहुत दिक्कत हो जाती है, तो फिर धीरे धीरे करके आना पड़ने लगा। अगर आगे जाता तो कोई रास्ता नहीं था बिल्कुल भी, बिल्कुल चट्टान था नीचे, और फिर तो क्या बोलना। एक मेरा फ्रेंड है, उसको एक्सपीरियंस था, बार बार कह रहा था कि आराम से चल ले, ओवर कॉन्फिडेंट इतना ज़ोर से गिरा कि शोल्डर लग गया। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत रखो, आराम से चलो, अपना ध्यान भी रखना ज़रूरी है। सो आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो, और पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, स्टेटस में भी ज़रूर लगाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर, बाय।